हेलो माय डियर लर्नर्स, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो टुडे। तो आज फटाफट से डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन विच इज कंटेन्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्ट, दैट इज 44AE, विच स्पीक्स अबाउट द प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन फॉर द असेसीज हू आर एंगेज इन द लीजिंग, प्लानिंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। यहाँ पे कंडीशन, आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स व्हीकल नहीं होने चाहिए। अब ये 10 जो है हैवी और लाइट व्हीकल दोनों को मिलाकर, तो कब एक व्हीकल हैवी व्हीकल कहलाता है? जब उसका ग्रॉस वेट या अनलादेन वेट जो है 12,000 केजीज, अगर टन्स में बात करें तो 12 टन से ज्यादा है। तो आप प्रिजम्प्टिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी हेवी गुड्स व्हीकल हैं, उनके लिए आपको लेना है 1,000 रुपीज पर टन ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से। लाइट के लिए आपको 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेना है। राइट नाउ यहां पर अगर आपने प्रिजम्प्टिव लिया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनवानी, ऑडिट नहीं करवानी है, 30 से 38 के एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लगता है आपकी इनकम कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवा लो, ऑडिट करवा लो, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑफ प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन देन। थैंक यू।